28 नवंबर के ऑर्डर की रोशनी में साइफर केस का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अदालत प्रोडक्शन से मुतालिक दरखास्त पर नोटिस जारी किए जाते हैं। चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस की आज समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करना है। चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी से मुतालिक समाअत कल अडियाला जेल में 9 बजे होगी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी, फराह कोगी, शहजाद अकबर, बैरिस्टर जियाब मुस्तफ़ा नज़ीर, जुल्फी बुखारी समेत 8 मुलजमान के नाम शामिल। रेफरेंस नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर किया गया। बताया जा रहा है 3 बार वजीर आजम बनने वाला 4थी बार वजीर आजम बनेगा, मुल्क को मसाइल से निकालेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नाम लिए बगैर नवाज शरीफ को निशाने पर ले लिया। चेयरमैन पीटीआई पर भी तनकीद, बोले एक और 70 साल साबिक वजीर आजम को नौजवानों के लिए ऑप्शंस के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस वक्त अगर कोई विफाकी सतह पर मैदान में है तो वो पीपल्स पार्टी है। बलोचिस्तान हाईकोर्ट बार की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा, बलोच अवाम 8 फरवरी को सरप्राइज दें, मुल्क की किस्मत उन लोगों के हवाले ना करें जिन्होंने नफरत और तकसीम की सियासत की। रिवायती और पुरानी सियासी सोच को छोड़ना पड़ेगा। वक्त आ गया है कि मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले अवाम को करने दें। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर आवान ने कहा है कि नवाज शरीफ का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, उसके साथ हाथ हो चुका है। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए बाबर आवान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच तय कर चुका है कि आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहली ताहयात होगी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल होंगे। आज कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। अडियाला जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए बैरिस्टर गौहर खान को नामजद कर रखा है। नामजदगी के बाद गौहर खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से अलहदा हो गए। नियाजुल्ला नियाजी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। फैजाबाद धरना कमीशन ने निगरा वजीर और साबिक सेक्रेटरी टू पीएम फवाद हसन फवाद को 5 दिसंबर को तलब कर लिया। जराए के मुताबिक फवाद हसन फवाद ने 22 नवंबर 2017 के इजलास के मिनट्स दर्ज किए थे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वजीर दाखला एसर इकबाल कमीशन के सामने पेश। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक नतज भुगते, सैलाब के बायस शदीद नुकसान उठाना पड़ा। COP28 कॉन्फ्रेंस से बरतानवी शाह चार्ल्स का खिताब, मौसमियाती तब्दीलियों को आने वाली नस्लों के लिए खतरनाक मसला करार दे दिया। कहा, मौसमी तब्दीलियों से निपटने के लिए $4.5 ट्रिलियन सालाना की ज़रूरत है। शाह चार्ल्स ने जीरो कार्बन पॉलिसी अपनाने और ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ मुंतकली पर जोर दिया। आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में मुत्तहिदा अरब अमारात का मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $30 अरब के फंड्स के क़्याम का ऐलान। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने फंड को आलमी मौसमियाती तब्दीलियों के मसाइल का हल कहा। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कॉन्फ्रेंस में पेरिस मौसमियाती माहदे पर अमल दरामद करने पर जोर दिया। कहा, अभी देर नहीं हुई, फॉसिल ईंधन जलाना बंद करें, फॉसिल फ्यूल पर सब्सिडी खत्म करने का भी मुतालबा किया। गजा में 7 रोजा जंग बंदी के बाद एक बार फिर इसराइल की बमबारी, मुख्तलिफ इलाकों में शदीद झड़पें। गजा के वस्ती, मगरबी, जनूबी इलाकों में बमबारी, खान यूनस और जबालिया में घर को निशाना बनाया। सुबह से अब तक इसराइली हमलों में 37 फलस्तीनी शहीद। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि इसराइल फलस्तीन के साथ जंग बंदी बहाली के लिए मुजाकरात जारी हैं। इसराइली बमबारी सालिसी की कोशिशों को पेचीदा बना रही है। इसराइल ने आज हमास पर जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए गजा पर दोबारा हमला शुरू करने का ऐलान किया था। लाहौर की मुल्तान रोड पर तालिबान की बस फायरिंग करने वाले 6 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश में मुलजमान का किसी तालिबान से रंजिश या कोई ताल्लुक साबित ना हो सका। मुलजमान का ताल्लुक पत्तोकी से है, गाड़ी किराए पर ले रखी थी। नेदरलैंड्स की इलेक्शन कमेटी का इंतखाबात में इंतहाई दाएं बाजू के इस्लाम मुखालिफ रहनुमा गियर्ट विल्डर्स की कामयाबी का बाज़ाब्ता ऐलान। 150 रुकनी पार्लियामेंट में विल्डर्स की फ्रीडम पार्टी ने 37 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। मुखालिफ पार्टी बाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाली इत्तेहाद ने 25 नशस्तें अपने नाम कीं।